नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा पे है डॉक्टर सूरज मंडल जी। सूरज मंडल जी, आपका एसएम न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बात बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि बहुजन समाज शिक्षित बने, संगठित बने, एकत्रित हो, तो आज कहाँ तक आप देखते हैं बाबा साहब का सपना सही हुआ है? आज मुकम्मल तौर से बाबा साहब का सपना एक तरह से सच हो रहा है और जो उनका मिशन था वो कामयाबी की ओर है और उसका मैं बड़ा एक रूप देख रहा हूँ आज जो महोत्सव हो रहा है। और दूसरा ये भी है कि जो मंडल कमीशन लागू हुआ और जिसके कारण जो बैकवर्ड क्लासेस में एक तरह से एक नई चेतना आई और जो आज बहुजन समाज के रूप में इकट्ठा है दलित और बहुत बैकवर्ड मिल के, वो मूल रूप से वही एक थिंकिंग था, एक ड्रीम था डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर का, और वो एक बहुजन राजनीति के रूप में धरातल पर आ गया है। और वो उसका वजह ये भी शायद है कि जिस तरह से भाजपा ने अपना एक तरह से सप्रेस करने का कोशिश किया इस समाज को और आज जो ईवीएम के बदौलत उनका शासन चल रहा है, वो उस सब के रिएक्शन में जो एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो समाज का बहुसंख्यक लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर उस राजनीति को रूप दे रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी देश के लिए भी है, समाज के लिए भी है और इसको मैं एक स्वागत योग्य समाज के लिए कदम मानता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने ईवीएम का बताया, आप ईवीएम का चुनाव ईवीएम से चाहते हैं या बैलेट पेपर से? ऑब्वियसली ईवीएम जो है वो ईवीएम से चाहते हैं या बैलेट पेपर से चाहते हैं? ईवीएम जो है, अगर बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव होता है तो उसके फायदे और नुकसान बताएं। ईवीएम से चुनाव होगा भाजपा जीतेगी, भाजपा ये भी तय करेगी कि वो किससे हारेगी अगर उसको हारना होगा, हु विल कम सेकंड, राइट? एंड इन दैट केस जो अभी भाजपा का की राजनीति है वो तमाम समुदायों से एक तरह से उनको सप्रेस कर रही है। किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, विद्यार्थियों पर, बीएचयू में लड़कियों पर लाठीचार्ज हुआ है, हम प्रोफेसर्स हैं, हम यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा को एक तरह से बर्बाद कर दिया गया है, रेलवे को बेचा जा रहा है, एचएल को ख़त्म कर दिया गया, ये कैसे हो रहा है? एनी पॉलिटिशियन एक भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या वो हिम्मत रखता है कि उसको एक तरह से इग्नोर कर दे या उस पर सप्रेशन लाए? आज उनके नज़र में मुसलमान कुछ नहीं है, दलित कुछ नहीं है, बैकवर्ड कुछ नहीं है, वो किसके बदौलत? वेयर डज दिस कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम? दिस कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम दैट यू विल वोट एनी वेयर, द वोट विल कम टू मी। तो ये ईवीएम का एक बड़ा एक साजिश है और उसको हटना जरूरी है, तब इस देश में मुकम्मल एक बात बताइए, सभी लोग ईवीएम को दोषी बना रहे हैं पर ईवीएम की मुहिम के लिए लोगों को क्या करना चाहिए वो बताएं। अभी जो तीन राज्यों में चुनाव, पांच राज्यों में चुनाव हो रहा है और जिसको इलेक्शन कमीशन ने दोबारा कहा है कि वी विल नॉट अप्लाई वीवीपीएटी चिप्स मशीन एवरीवेयर और वी विल नॉट इवन काउंट द स्लिप्स, तो उसके विरोध में इनको ये कहना चाहिए कि वी आर पार्टिसिपेटिंग अंडर प्रोटेस्ट इवन इफ वी विन, वी वॉन्ट द ईवीएम टू गो अवे, ये अगर कहें और खास तौर से कांग्रेस पार्टी कहें तो मैं समझता हूँ ये मुहिम आगे बढ़ेगी, वरना वो कहेंगे जीतेंगे तो कहेंगे कि तुम जीत गए अभी ईवीएम तो सही है और हार जाएंगे तो कहेंगे तुम ऐसे ही रो रहे हो। डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे से बताया कि अगर आप ईवीएम को हटवाना चाहते हैं, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो बीजेपी सरकार उसमें जीतेगी, अगर ईवीएम हटवाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को आगे आना पड़ेगा और उसके लिए आपको रोडों पे, सड़कों पे धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे तभी ईवीएम हट पाएगी। ऐसे में उसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके तमाम दर्शकों को शुभकामना देता हूँ, जिस तरह की मुहिम आप सामने लाते हैं ये एक मीडिया के लिए एक नई बात है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद।